नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे आसियाना ओपन सोसाइटी का। ये सोसाइटी आसियाना होम्स ने डेवलप किया है। इसका पोजीशन 2010 का है। टोटल 7 एकड़ का लैंड एरिया है। पूरा प्रोजेक्ट ये 7 एकड़ का है और टोटल इसमें 7 टावर्स हैं। ओपन स्पेस भरपूर है, मगर लगता है कि हाँ वाकई में ओपन स्पेस हो, पार्क एरिया, गार्डन एरिया तो ऐसा हो, वरना ना हो। इसमें ओपन स्पेस वाकई में बहुत अच्छा है। साइज़ की अगर बात करें तो 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट हैं। 1225 स्क्वायर फीट का 2 BHK, 1560 और 1595 स्क्वायर फीट का 3 BHK हैं। इसमें दो साइज़ दे दिए, सिर्फ लेआउट का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 1825 और 2535 स्क्वायर फीट के 4 BHK हैं, जिसमें 1825 सिर्फ 4 BHK है और 2535 4 BHK विद सर्वेंट रूम है। टोटल 14 स्टोरी ये सोसाइटी है। ये सोसाइटी बहुत ही मेंटेन सोसाइटी है। बेसमेंट से लिफ्ट में बिना एक्सेस कार्ड के आप नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक टावर में गेट है, जिसे टावर गार्ड ही ओपन करता है या रेजिडेंट्स अपने एक्सेस कार्ड से ओपन करते हैं। सोसाइटी इससे बेहतर पूरे इंदिरापुरम में नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अमेनिटी सभी हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सभी अपडेटेड हैं। मतलब ऐसा नहीं रहे कि इतनी साल पुरानी सोसाइटी है तो इसके जो अमेनिटीज हैं वो काफ़ी पुराने हैं, उसमें कमेंट बहुत पुराने हैं, उनको आपको यूज़ करने का मन ना करे। मतलब एक अपग्रेडेड हैं, तो अपडेटेड हैं और बहुत ही स्पेसियस इसकी अमेनिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे क्लब है या पूल है, तो ये बहुत ही बड़ा स्पेसियस भी बनाया है। बैडमिंटन कोर्ट भी है यहाँ पे, क्रिकेट नेट भी है क्रिकेट के प्रैक्टिस करने के लिए। सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। वेल मेंटेन सोसाइटी है ये, बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो ये 75 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक का इस सोसाइटी में प्राइस है। ये जब से थोड़ा सोसाइटी रिनोवेट हो गई तब से थोड़ा सा और बढ़ गया है। ये वेल मेंटेन सोसाइटी है, साथ में वेल कनेक्टेड है। इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। मेट्रो और NH24 महज 2 किलोमीटर दूर हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल, मार्केट सभी 1 किलोमीटर की रेडियस में अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये तो हुई आसियाना ओपन के प्रोस पार्ट की बात। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स पार्ट की। तो टावर 1 और 2 में अगर हम बात करें तो इसके पार्क फेसिंग जो फ्लैट्स हैं उनमें धूप नहीं आती है। प्राइस की अगर हम देखें तो प्राइस इसमें थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। 12 वर्ष पुरानी होने की वजह से फ्लैट्स कोई भी अगर खरीदते हैं तो उनके लिए रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हुई बात आसियाना ओपन की प्रॉस और कॉन्स पार्ट की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो को आगे भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्रॉपर्टी को फ्री में पोस्ट करें घरनमकान.com पर। थैंक यू।